दोस्तों, इस साल का रॉयल रंबल वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स और लेजेंड्स का रिटर्न तो इस रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ में कई बड़े सुपरस्टार्स का आमना सामना भी इस रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है और इनकी फ्यूड रेसलमेनिया 39 तक जा सकती है। द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट द पीपल्स चैंपियन द रॉक के रिटर्न के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली और द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूड्स के बारे में। दोस्तों, WWE ने रॉयल रंबल के पोस्टर में रोमन रेंस के साथ साथ इन तीनों सुपरस्टार्स को भी दिखाया है, तो जाहिर सी बात है ब्रॉक लेसनर, बॉबी लेस्ली और कोडी रूड्स हमें 30 मैन रॉयल रंबल मैच में जरूर देखने को मिलेंगे। और रही बात रोमन रेंस की, तो उनका मैच तो केविन ओवंस के साथ होना है। तो दोस्तों, इस साल की रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर, बॉबी लेस्ली और कोडी रूड्स, ये तीनों बड़े सुपरस्टार तो जरूर देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली का आमना सामना भी देखने को मिल सकता है, और फिर ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा कि कौन किसको एलिमिनेट करेगा, बॉबी लेस्ली ब्रॉक लेसनर को या फिर ब्रॉक लेसनर बॉबी लेस्ली को, क्योंकि इन दोनों की फ्यूड यहीं से दोबारा स्टार्ट होगी रेसलमेनिया 39 के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल में है तो फिर सेथ रोलिंस भी है और इनका सामना भी हमें रॉयल रंबल में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में WWE ने रॉयल रंबल से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स नहीं है, तो क्या ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स को WWE ने रॉयल रंबल से रिमूव कर दिया है, ये सवाल सबके दिमाग में होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि कोडी रोड्स बैटिंग ऑर्डर्स में अभी भी टॉप पर हैं, तो जाहिर सी बात है कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच में जरूर एंट्री लेंगे, और अगर कोडी रोड्स हैं तो फिर ब्रॉक लेसनर भी हैं। यू आर राइट ब्रो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें द रॉक की, जो कि काफी बड़ा नाम है इस रॉयल रंबल के लिए, दोस्तों WWE ने रॉयल रंबल का जो पोस्टर है, जो थीम है, कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का बनाया है, जैसे बिजली नहीं कड़कड़ाती सेम वैसे ही बनाया है, और इसका मतलब तो यही है द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। ध्यान से सुनिए, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट द पीपल्स चैंपियन द रॉक के रिटर्न के चांसेस इस पोस्टर और थीम से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और अगर रॉक का रिटर्न होता है तो फिर द रॉक को रॉयल रंबल मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन डिपेंड ये करता है कि द रॉक 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंट्री करेंगे या फिर सीधा रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के मैच में रिटर्न करके सीधा रोमन रेंस को फेस करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रॉक 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंट्री करेंगे या फिर सीधा रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।